हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआ से। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्तों की सब्ज़ी, और ये बहुत ज़ायकेदार बनती है। और ये अरबी के जो पत्ते हैं वो बहुत ही फाइबर होती है उसमें, जिसके बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। साथ में हाई बीपी वालों को भी ये बहुत फ़ायदा देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अरबी के पत्तों की सब्ज़ी, जिसको पतौड़े भी कहा जाता है। ये मार्केट में आजकल बहुत बिक रहे हैं, और आम तौर पे मार्केट में मिल जाएंगे। अरबी के जो पत्ते होते हैं उनको आप ख़रीद के उनको धो लें, और धो के उनको महीन महीन काट लें। नॉर्मल लोग ऐसे भी पत्ते बनाते हैं बिना काटे भी, और हम जो है पहले इसको काट लेंगे, उसके बाद सब्ज़ी बनाएंगे। अरबी के पत्तों में हमने 2 बड़े चम्मच ऐड किया है पिसा हुआ बेसन, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच जो है इसमें हमने डाला है गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच अजवाइन डाली है, और इसको अच्छे से साथ में मिक्स करते जाएं। 1 चम्मच हमने इसमें डाली है हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पिसी, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डाला है, और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, ये पत्ते क्योंकि थोड़ा पानी छोड़ते हैं तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर गैस के ऊपर कढ़ाई गरम कर ली है मीडियम फ्लेम में, और इन पत्तों को जैसे आप पकौड़ी बनाते हैं उस तरीके से मैश कर लेंगे वो बेसन में, और उसके बाद इसमें डालेंगे कढ़ाई में करीबन 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, और उसको अच्छे से गरम कर लेंगे। जब आपका तेल गरम हो जाए तो इसकी पकौड़े टाइप बड़े बड़े साइज़ के बनाएंगे, और कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे जब तक उसका कलर ना चेंज हो जाए, हल्के से गुलाबी ना हो जाए। और इसी तरीके से एक एक करके उसके बड़े साइज़ में पकौड़े बना लेंगे सारे, ये देख सकते हैं। और गैस को तेज़ रखेंगे, और एक प्लेट में जैसे ही वो लाल होते जाएं दोनों तरफ से पलट के उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं, और कितने अच्छा इनका रंग आया है। और पकौड़े निकालने के बाद जो कढ़ाई में तेल बचा है उसमें अब हम तैयारी करेंगे मसाला बनाने की, जिसमें ग्रेवी जिसे आप कह सकते हैं उस मसाले में इन पकौड़ों को हम डालेंगे। तो बचे हुए तेल को पहले अच्छे से हमने गरम कर लिया है, उसमें हमने डाला है 1 चम्मच मेथी दाना, 2-3 पत्ते तेज़ पत्ते के, प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट है पिसा हुआ, ये हमने डिटेल में डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। और वो तेल जो पेस्ट है वो हमने डाल के अच्छे से उसको फ्राई किया है। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, और हम इसमें डालेंगे धनिया करीबन 1 से 1.5 चम्मच, आप देख के अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च पिसी हुई 1 से 1.5 चम्मच अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और उसके बाद डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच या 1 चम्मच भी ले सकते हैं ज़ीरा पाउडर, और 1 चम्मच लास्ट में गरम मसाला, और ये है इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर, आप अपनी खट्टा कम चाहें तो 1/2 करें, नहीं तो 1 कर सकते हैं, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, और गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, इतनी देर तक उसको पकाएंगे जब तक वो पूरा मसाला गाढ़ा ना हो जाए और तेल ना छोड़ दे, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। और इधर हमने ये जो पकौड़े बना के रखे थे अरबी के पत्तों के, उनको चाकू से कट कर लिया है, इनको छोटा छोटा काट लिया है, और काटने के बाद इन पकौड़ों को उन मसाले में डाल देंगे, और उसको धीमा बिल्कुल धीमी आंच पे रख देंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनी है, अगर आप इसे खाएंगे तो मछली खाना भूल जाएंगे। ये इतनी जायकेदार और लजीज बनती है कि इसके आगे नॉनवेज बेकार है, फ़िश बेकार है। जो लोग फ़िश खाने के शौकीन हैं वो इन पत्तों को खा के कभी भी नहीं पहचान पाएंगे कि वो फ़िश खा रहे हैं या अरबी के पत्तों के बने हुए पतौड़े खा रहे हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सारे मसाले आपके किचन में मौजूद रहते हैं, उन्हीं मसालों से ये इतनी बेहतरीन जायकेदार सब्ज़ी आप घर में बना सकते हैं। आपको बाहर जाने की और बाहर का खाना फास्ट फूड खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने इसे खा लिया तो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट रेसिपी में जल्दी मुलाकात होगी, टेक केयर।